साथियों, यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत के अहम तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्किप कर पूरा देखिए। यदि मेरे चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, आज की जो खबर दोस्तों जो आ रही दोस्तों, वो अच्छी खबर से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूँ, आपको जैसा कि पता हो साथियों, रशिया ने कोविड-19 का जो वैक्सीन था वो निकाल लिया था, पर दोस्तों वो अभी पूरी दुनिया में तकसीम नहीं किया था, मतलब बांटा नहीं गया था। तो दोस्तों रशिया ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि टोटल वो 35 मिलियन वो जो डोज होता है कोविड-19 का वो बना चुका है और सभी देशों को वो देना स्टार्ट करेगा। तो दोस्तों आपको बता दूँ, सबसे उसमें शामिल है उज्बेकिस्तान, शामिल है उसको भी दिया जाएगा। कुवैत ने भी ऑर्डर किया था, इंडिया ने भी ऑर्डर किया था, कजाकिस्तान ने भी ऑर्डर किया, मैक्सिको, 2 स्टेट इन ब्राज़ील। तो दोस्तों ये सारे देशों को सबसे पहले दिया जाएगा क्योंकि ये सब देशों ने सबसे पहले वहाँ पर ऑर्डर किया था। तो साथ ही आपको बता दूँ, काफ़ी अच्छी खबर हो सकती है वीज़ा अब दोस्तों नया जो वीज़ा है वो मिलना स्टार्ट हो सकता है ये वैक्सीन अगर आ जाए तो। तो दोस्तों चलिए दूसरी खबर की ओर चलते हैं। दूसरी खबर साथ ही हमारी, 5 मेन एंड वुमेन अरेस्टिंग ऑपरेटिंग लीकर फैक्ट्री फ्रॉम 2-स्टोरी विला। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से दोस्तों वहाँ पे एक मतलब ये इंस्पेक्शन किया गया। उसके बाद दोस्तों वहाँ पे एक एरिया में अबू अल हसनिया एरिया में दोस्तों वहाँ पे 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनमें से दोस्तों बता दूँ जो इसमें उस महिलाएं भी और मर्द 3 उसमें शामिल थे। अब दोस्तों उसे इलीगल काम करे तो वहाँ पे शराब बना रहे थे दोस्तों, जैसा कि फोटो में भी देख सकते हैं। सभी को फिलहाल सीज कर दिया गया है और सभी को उठा कर ले गया दोस्तों, और सभी पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, पूछताछ की जा रही है कि उसके साथ और कौन कौन मिला हो, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे शराब का धंधा करना वहाँ पे कानूनन जुर्म माना जाता है। अगली खबर साथियों आ रही है, कुवैत म्युनिसिपैलिटी ने अनाउंसमेंट किया है कि जॉइंट कॉपरेशन मॉस सेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो तरफ से दोस्तों वहाँ पे जितने भी मस्जिदें हैं सभी में पानी का इंतजाम जो होगा, प्योरीफाई पानी का इंतजाम किया जाएगा, यानी दोस्तों पूरा शुद्ध पानी का इंतजाम किया जाएगा। जितने भी मस्जिद है मतलब या मुबारक या मार्केट एरिया की तरफ से जो भी आता है सभी मस्जिदों में कुवैत में वहाँ पर अच्छे पानी का इंतजाम किया जाएगा। अगली खबर साथियों जो आ रही है, यंग मैन डाइज इन होटल ऑफ सलमिया। दोस्तों सलमिया के एक होटल में एक नौजवान के दोस्तों उसके कमरे पे उसके लाश मिली। तो दोस्तों उसका रिपोर्ट लिखाया गया अलनबाद वहाँ पर पुलिस स्टेशन में जाके, दोस्तों वहाँ पे छानबीन चल रही है आखिर उसकी जान कैसे गई और उसके हो सकता है उसका कोई मारा है या फिर वो सुसाइड किया दोस्तों। इसकी रिपोर्ट फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी नहीं आई है। तो दोस्तों ऐसी रिपोर्ट जैसी आएगी मैं आप तक शेयर जरूर करूँगा। अगली खबर साथियों आ रही, बहुत ही अच्छी खबर दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर है। हनन अब्दुल मोहम्मद दोस्तों 8 कुवैती को फ्रांस ने बुलाया है, किस लिए? कोविड-19 के रिसर्च के लिए। तो दोस्तों जितने 8 कुवैती डॉक्टर जो है, जो खास डॉक्टर है, उन्हें बुलाया गया वहाँ फ्रांस बुलाया गया ताकि वहाँ पे कोविड-19 का जो दवाई बनाया जा रहा है उनमें रिसर्च में काम कर सके। तो दोस्तों काफ़ी बड़ी बात है क्योंकि दोस्तों कुवैत से लोग डॉक्टरों को बुलाया जा रहा है। तो ये कुछ खबर थी साथियों जो कुवैत से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को कुवैत की जानकारी हो सके। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।